हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और सेफ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस की। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ ली थी और इससे पहले हमने दो टॉपिक और पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? डी फाई इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई और इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। हमारे पास ये फार्मूला आया था, ये हमने किससे निकाला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमने ये फार्मूला डिराइव किया था। देन हमने पढ़ा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है। तो हमने तीन टाइप्स इसके पढ़ लिए थे। फर्स्ट कौन सा था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड कौन सा था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड हमारा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने के बाद हमने इनकी डेंसिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हम इन डेंसिटीज को लिखना चाहें तो इनके फार्मूलाज क्या थे? फर्स्ट हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने डिनोट किया था लैम्डा से, और इसका फार्मूला था क्यू अपॉन एन। सेकेंड हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, जिसको हमने किससे डिनोट किया था? सिग्मा से डिनोट किया था, और ये इसका फॉर्मूला है Q अपॉन S। क्योंकि लीनियर है इसलिए यहाँ पे इसकी लेंथ आएगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसलिए यहाँ पे इसका एरिया आएगा, और थर्ड हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया था और इसका फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन V। तो इस तरह से हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ इनकी तीनों की डेंसिटीज भी पढ़ी थी, और तीनों डेंसिटीज पढ़ने के बाद में हमने इनके फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है कि गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस के पहले हमें दो चीजें समझनी जरूरी होती है। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। देन हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप्स का है। फर्स्ट कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। सेकंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। और थर्ड क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। देन हमने इनके फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। अब हम किसकी बात करेंगे? गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस की बात करेंगे। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला आया था? फाई फ्लक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, फाई इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू एन डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्यू इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो डेरिवेशन था वो हमने कूलॉम्स लॉ को फॉलो करते हुए उसके बेस पर हमने डिराइव किया था। देन फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी, वो कौन सी थी? कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला डिराइव होकर आया? क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ? E equals to 2k lambda upon r। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस के लिए हमें दो डेरिवेशन या दो चीजें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है? क्योंकि ये इसका बेस है तो इसको समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया है। देन हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लिए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन तीन होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आगे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस में काम आने वाली है। हमने एक एप्लीकेशन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे
इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। और वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ हम गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट। तो देखो स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिराइव करना है और किसके कारण करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। अब देखो आपके पास एक नई चीज आई है, कौन सी, कि नॉन कंडक्टिंग क्या है और इसको किस तरह से चार्ज किया जाता है, और चार्ज होने के बाद में ये जो शीट है वो क्या एक तरफ से ही चार्ज होगी या फिर दोनों तरफ से चार्ज होगी। तो देखो स्टूडेंट, इसके जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसकी गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है, वो नॉन कंडक्टिंग की जगह पर कंडक्टिंग शीट के लिए होगी, कंडक्टिंग शीट के लिए होगी। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि यह शीट जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है। जब किसी अचालक शीट को हम चार्ज्ड करते हैं, मान लो हम उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद में वो जो शीट है वो सिर्फ जिस तरफ से हमने उसको चार्ज किया है केवल उसी साइड से वो चार्ज्ड रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी जगह कंडक्टिंग शीट की बात करें, तो कंडक्टिंग शीट क्या होती है कि वो शीट चालक है। तो चालक शीट को जब हम चार्ज्ड करते हैं तो वो दोनों तरफ से चार्ज्ड होगी। तो यहाँ पर माइंड में सिर्फ आपको यही बात क्लियर रखनी है कि अगर हम यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं तब तो वो सिर्फ एक साइड से ही चार्ज रहेगी, और अगर कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं तो वो बोथ साइडेड चार्ज रहेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट इसके डेरिवेशन में, फर्स्ट एप्लीकेशन में बात की थी, कि अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें और कंपोनेंट्स से हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होती है, तो सबसे पहले हमें सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इस शीट को एनक्लोज करना पड़ेगा किसी सरफेस में। तो मान लो जैसे फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, तो जो हमने वायर लिया था उसको सिलेंड्रिकल सरफेस में हमने कवर किया था, उसी तरह से इस शीट को हम सिलेंड्रिकल सरफेस में कवर करके वहां पर तीन कंपोनेंट्स लेंगे, और तीन कंपोनेंट्स के लिए हम गॉसेस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो बच्चों ये जो है वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इस डेरिवेशन का, कि हमें इस डेरिवेशन को करना कैसे है। तो अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट इसमें क्या डिराइव करना है, यहां पर हमें डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके टॉपिक से समझ चुके हैं कि हमें क्या लेना है, एक शीट लेनी है। मान लो हमने ये शीट ले ली जो कि क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, अगर इस शीट को हम चार्ज करेंगे तो वो चार्ज जो है वो इस शीट के सिर्फ एक तरफ होगा जिस साइड से हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो मान लो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, ये हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो शीट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। जैसा कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो वो जो है कि चार्जेस जो है वो पास पास है, बहुत कम डिस्टेंस पर है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है।
तो समान जगह पे समान चार्ज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि इसका हमने एक मिड पॉइंट ले लिया है O, इससे R डिस्टेंस पर हमने एक और पॉइंट लिया है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है P से। अब देखो स्टूडेंट, हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशंस पढ़े हैं उन सब में हमने मिड पॉइंट O लिया है, उसके R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिराइव करनी होती है। अब क्योंकि इसमें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली डायरेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या लिए हैं, मान लो हमने O डिस्टेंस से ऊपर और नीचे दो एलिमेंट्स ले लिए हैं A1 एंड A2। जैसा कि हमने इसके फर्स्ट एप्लीकेशन में लिए थे ये एलिमेंट्स A1 एंड A2, वो हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर लिए थे, और अब हम इसको कहाँ ले रहे हैं, एक शीट पर ले रहे हैं। तो मान लो हमने ये दोनों एलिमेंट ले लिए हैं, अब इन दोनों के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिराइव करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसे जाएगी इस पे? मान लो A1 से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और A2 से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो भी किसी एलिमेंट के थ्रू, तो एलिमेंट के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसलिए हम वेक्टर लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे पर इंटरसेक्ट होकर दो डायरेक्शन बना ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पर्टिकुलर एक डायरेक्शन हमारे पास नहीं रहेगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डायरेक्शन बनाने के लिए इसको हम कॉम्पोनेंट्स में डिराइव करेंगे। तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, हमने इसको दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। मान लो ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो अल्फा एंगल्स बन रहे हैं। इसके बाद क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट की बात करें तो वो कॉस अल्फा में आएगा और DE कॉस अल्फा A1 के कारण और A2 के कारण DE cos alpha। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एलिमेंट ऐड होकर ये वाले डायरेक्शन देंगे। लेकिन इसके पहले हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स की भी बात करनी है। वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो DE sin alpha और DE sin alpha, ये कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं। अब क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन इनके डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचे हैं जो ऐड होकर ये डायरेक्शन हमें देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, उसके डायरेक्शन क्या आई थी कि ये जो लाइन चार्ज है, ये जो वायर है उसके परपेंडिकुलर आई थी, उसी तरह से ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मान लो ये हमारे पास शीट है, शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो इस डेरिवेशन का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, इस फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं हमें शीट पर और उन दोनों एलिमेंट्स के थ्रू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग अलग आई है, जिसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड किया है। वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स में मैग्नीट्यूड इक्वल है
डी साइन एल्फा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण जब इन दोनों एलिमेंट को ऐड किया जाता है तो ये दोनों एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होने के कारण ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो हमें एक डायरेक्शन इसकी मिल गई है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू दी शीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पर्टिकुलरली फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें डिराइव करना है जो कि सेकंड पार्ट है इस डेरिवेशन का, क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमने शीट ली है या इनफाइनाइट जो भी हमने लाइन चार्ज लिया था, दोनों को हमें क्या करना है, एक सर्क्यूलर या फिर किसी भी सरफेस में हमें उसको क्लोज करना है। तो यहाँ भी हम ले लेते हैं, हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है जिसके अंदर हमने शीट को इस तरह से फिक्स किया है। ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है। सिलेंड्रिकल सरफेस में स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मान लो आपके पास, मान लो ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में किसी शीट को हमें एनक्लोज करना हो तो किस तरह से करेंगे। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया है, इसको इसके एरिया से इस तरह से अटैच करके और इसमें फिक्स कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसको इस तरह से शीट को सिलेंड्रिकल एरिया में फिक्स कर देंगे देन हम यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि शीट को हमने इस सिलेंडर में इस तरह से फिक्स कर दिया है। शीट हमारी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। अब हम यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स लेंगे, कौन कौन से। फर्स्ट तो हमें इस सर्कुलर एरिया की बात करनी है, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड सर्कुलर एरिया है, किसका, सिलेंड्रिकल सरफेस का। लेफ्ट साइड सर्कुलर एरिया या फिर हम सरफेस भी लिख सकते हैं। सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की, तो ये क्या है, राइट साइड सर्कुलर सरफेस। और थर्ड हम कंपोनेंट कहाँ लेंगे, थर्ड हम कंपोनेंट, मान लो ये सिलेंडर है तो इसका ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस पे हम थर्ड एलिमेंट हमारा लेंगे। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, कर्व्ड सरफेस पे हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम किसकी बात करते हैं, तीनों एलिमेंट्स की बात करते हैं। मान लो हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिया जो कि क्या है, DS1 है। सेकेंड एलिमेंट हमने कहाँ लिया, यहाँ ले लिया जो कि क्या है, DS2 है। थर्ड एलिमेंट हम कहाँ ले रहे हैं, थर्ड एलिमेंट हम इसके कर्व्ड सरफेस पे लेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है और ये एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया है जो कि क्या लिखा जाएगा, DS3 लिखा जाएगा। तो ये मान लो हमने थर्ड एलिमेंट ले लिया है DS3। अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स की डायरेक्शन के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बनानी है, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो शीट के परपेंडिकुलर आती है। मान लो ये शीट है, इसके परपेंडिकुलर वो इस तरफ भी हो सकती है और इसके परपेंडिकुलर वो इस तरफ भी हो सकती है। तो अगर एलिमेंट हमने DS1 लिया है तो इसके लिए वो इस साइड हम लेंगे और DS2 के लिए हम इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेंगे। और ऊपर वाले एलिमेंट के लिए जो कि कर्व्ड सरफेस पे है, वो अगर कहीं भी इस साइड या इस साइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही साइड से इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। अब क्योंकि देखो E और DS1 दोनों सेम साइड में है,
E और DS1 के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, DS2 की, और DS2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें, देखो स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई मामला ही नहीं है। हम इधर और इधर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर एक साइड की बात करें तो मान लो हमने एक साइड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ कर ली है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ई और डीएसटी के बीच में बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिराइव करनी है और गॉसेस लॉ अप्लाई करके। तो गॉसेस लॉ हमने अप्लाई किया। गॉसेस लॉ की कंपलसरी कंडीशन क्या होती है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसे सबसे पहले एनक्लोज करना पड़ेगा किसी एरिया से, किसी सरफेस से। तो हमने क्या किया है, इस शीट को इसीलिए इस सिलेंड्रिकल सरफेस से एनक्लोज किया है। देन हमने मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस को कवर करने के लिए। कौन कौन से लिए हैं हमने, एक तो लेफ्ट साइड सर्कुलर एरिया लिया है, एक राइट साइड सर्कुलर एरिया लिया है और एक कर्व्ड सरफेस पे हमने एलिमेंट लिया है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डेरिवेशन की। देखो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कौन कौन सी है कि ई डी एस वन के साथ 0 डिग्री, ई डी एस टू के साथ 0 डिग्री, लेकिन ई डी एस थ्री के साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला था वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इन तीनों एलिमेंट्स पर। तो अब गॉसेस लॉ हम लिखते हैं, ये एस वन के लिए है, मान लो हमने ई डॉट डी एस वन लिख दिया, फिर इसको प्लस किया एस टू के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, प्लस किया है हमने, इंटीग्रेशन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट के लिए, तो ई डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा। इक्वल किया है हमने समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने गॉसेस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तीनों एलिमेंट्स पर। अब हमें पता है कि डॉट यहाँ से हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा। मान लो यहाँ पर हमने लिख लिया है ई डी एस कोस थीटा। अब थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री था तो हमने 0 डिग्री लिख लिया है, और इन दोनों के बीच में भी थीटा की तरह था 0 डिग्री था तो 0 डिग्री हमने इंक्लूड कर लिया है। थर्ड कंपोनेंट में जो थीटा था वो 90 डिग्री था इसलिए हमने 90 डिग्री लिख लिया है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो स्टूडेंट्स कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यहाँ भी कोस 0 डिग्री हो जाएगा 1, लेकिन कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कंप्लीट टर्म हो जाएगी 0। तो इन दोनों टर्म्स की हम वैल्यूज लिख लेते हैं, ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें डिराइव करनी है यहाँ पर, तो ई को हम बाहर कर देंगे और डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ भी हम ई को बाहर लेके डीएस का इंटीग्रेशन कर देंगे और इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, एस प्लस ई एस यहाँ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ई एस को हम ई एस के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ES इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सीधे सीधे क्या किया है, तीनों एलिमेंट्स पर यहाँ पर हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करके तीनों जो थीटा एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करके 2 यहाँ पे टर्म बची हैं, दोनों में डीएस का हमने इंटीग्रेशन करके एस लिखा है और ईएस प्लस ईएस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ES इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो हमें किसकी बात करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आगे क्या सॉल्यूशन होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, तो E को यहाँ रख लेंगे और समीशन ऑफ Q अपॉन 2S डिवाइड में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर तो बात हो रही है Q की, समीशन ऑफ Q मतलब शीट पर जो हमने चार्ज दिया था शीट को वो टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि वहाँ पे शीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस होता है। तो यहाँ पर क्यू कितना आ जाएगा? सिग्मा एस आ जाएगा। तो क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? सिग्मा एस पुट कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 2s एप्सिलॉन नॉट से s कैंसिल आउट। तो E का फॉर्मूला हमारे पास बच रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स इतना हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, और यही फॉर्मूला अगर हम वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर में लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नीटा कैप लिख सकते हैं। ये जो नीटा कैप है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। किस लिए ये यूज़ आता है? ये डायरेक्शन के लिए यूज़ आता है, और डायरेक्शन हमें पता है कि शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शीट के परपेंडिकुलर हमने निकाल ली थी। तो ये डेरिवेशन हो गया है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? या फिर हम किसमें ग्राफ बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा दोनों के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। कभी कभी तुम्हारे एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई शीट है और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव की है वो स्मॉल आर पर किस तरह से डिपेंड करती है, ई और आर के साथ ग्राफ बना। तो आर जो है वो यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं करती है, तो एक कांस्टेंट ग्राफ इसका बनेगा। तो हम देख लेते हैं इसके ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आया है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ई और सिग्मा के बीच में हम ग्राफ बनाएं तो ये किस तरह से बनेगा? क्योंकि अगर ई की वैल्यू बढ़ाएं तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर सिग्मा की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? ई की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाए। लेकिन अगर बात की जाए कि ई जो है वो आर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ई आर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉन्स्टेंट ग्राफ बनेगा। यहाँ पर R लिख लिया जाता है, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी R के लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू R इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। तो ये हमने देखो स्टूडेंट्स पूरा डेरिवेशन कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो गॉसस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन आ गई कि नॉन कंडक्टिंग शीट को आपको लेना है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे क्या होगा, उसकी डेंसिटी सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस डेरिवेशन में आपको अप्लाई करना है गॉसस लॉ, जो कि क्या होता है, phi equals to summation of q upon epsilon naught। और यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समीशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, करते क्या है, दो पार्ट्स में इसको डिराइव करते हैं डेरिवेशन को। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी ओनली डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन निकल जाने के बाद एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास डायरेक्शन आ गई है, देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे करना है? गॉसस लॉ के लिए जरूरी है कि
कि जो सरफेस है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसको एक सरफेस में एनक्लोज करना है। एनक्लोज करने के बाद जो भी तीनों एलिमेंट हमने लिए हैं सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए, वो हमें अप्लाई करना है। तीनों पर हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करके तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें प्लस करना है। देन हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और एन के वेक्टर। तो जो भी थीटा, जो भी कैप आई थी हमारे पास, वो डायरेक्शन को शो करती है जो कि नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि हमने चार्ज की थी उसके परपेंडिकुलर होगी। देन हमें क्या करना है कि सिग्मा और ई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक नंबर वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है कि क्या कि अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है किसी सरफेस के लिए, किसी नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग शीट के लिए, तो आर उस पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको इसको क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट था, वहां पे आर पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, आर के रेस्पेक्ट में ई जो है वो कॉन्स्टेंट होगा और इसीलिए इसका ग्राफ क्या बनता है, इस तरह का बनता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात कर ली है गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कंडक्टिंग की जगह पढ़ेंगे कंडक्टिंग शीट, और डेरिवेशन और जो प्रोसेस है वो एकदम सेम रहेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हो, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक नए वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो, घर पर रहो, सेफ रहो, बाय।